सो ये विस्की टाइप मैं करता हूँ कास्क के ऊपर, ठीक है। कास्क, वुडन कास्क बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ द फ्लेवर द विस्की इनहेरिट्स। जैसे आप अगर बर्बन से चालू करें, वो अमेरिकन ओक से चालू होता है, ठीक है, अमेरिकन ओक कास्क। तो अमेरिकन ओक में बर्बन होता है चार्ड होता है, वो आग लगाया जाता है, वो बर्बन का रूल होता है। आप और कास्क कर सकते हो, जैसे यूरोपियन ओक, आप जापान का मिजुनारा ओक भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब डिफरेंट ओक्स हैं, लेकिन एक्चुअली बर्बन में भी ना, ये अमेरिकन ओक में क्या होता है, बर्बन के बाद अगर आप स्कॉच को जाओ तो आई थिंक इसमें भी मैं तीन लेवल तो कर सकता हूँ। एक है न्यू और चार्ड भी लिख सकता हूँ, चार्ड। एक है फर्स्ट फिल, एक है फर्स्ट फिल, एक है सेकेंड फिल। इसका मतलब ये है कि बर्बन तो न्यू चार्ड में बना, लेकिन जब ख़त्म हो गया, इस बर्बन बन गया, तो बर्बन ये ओक और बर्बन बनाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, वो रूल है। तो इट विल गो टू स्कॉटलैंड और डायरेक्टली एक विस्की उस फर्स्ट फिल बर्बन ओक में लग गया, ठीक है। तो वो है फर्स्ट फिल। फिर वहां से एक स्कॉच बनने के बाद वो फिर से और एक स्कॉच बनने के लिए यूज हो रहा है, वो सेकंड फिल बोला जाता है, एंड सो ऑन। मे बी थर्ड फोर्थ भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन फर्स्ट फिल और सेकंड फिल टिपिकली यूज होता है डिफरेंट स्कॉच बनाने के लिए। तो वैसा है, यूरोपियन ओक भी यूज होता है, मिजुनारा ओक भी यूज होता है डिफरेंट विस्की बनाने के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कास्क फिनिश की बात करें, लेट मी गो टू कास्क फिनिश। तो ये सब ओक बैरल के बाद हम कभी कभी कोई कोई स्कॉच या कोई कोई अमेरिकन विस्की भी या कोई कोई इंडियन विस्की या जापानीज विस्की भी शेरी वाइन के कास्क में हम डाल देते हैं कुछ साल के लिए फिनिश करने के लिए। पोर्ट वाइन कास्क में भी डाल देते हैं, ठीक है, और हम रम कास्क में भी डाल देते हैं, और हम बियर, राइट, वी हैव बियर। जैसे आप जानते हो कि मेरे पास जेमिसन का आईपीए या स्टाउट बियर का कास्क, कास्क मेट वाला विस्की भी है, ठीक है। तो ये सब वैरायटी भी हो सकता है इन डिसाइडिंग विस्की टाइप। तो आप कर सकते हो यू नो डिफरेंट विस्की टाइप इन टर्म्स ऑफ द कास्क दैट दे हैव बीन यूज्ड। इसके अलावा भी और होंगे स्पेसिफिक डिफरेंट अदर वाइन भी है, मे बी कोई ब्रांडी का कास्क में कर रहे हैं, मे बी आई कैन ऑल्सो ऐड हियर ब्रांडी, राइट। सो ऐसा आप कलेक्शन सर्च कर सकते हो। कलेक्शन क्या होता है ना, कलेक्शन इज नॉट ओनली कि जाके कोई कलेक्ट कर दिया। कलेक्शन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, कलेक्शन शुड बी थीम बेस्ड, जैसे मैं आपको डिफरेंट थीम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कलेक्शन एक लाइफ लॉन्ग हॉबी हो सकता है आपका। तो आप ट्रैवल करते हो, नया विस्की लाते हो, आप ढूंढते हो, आप सर्च करते हो, डिफरेंट अदर विस्की लवर्स के साथ बातें करते हो। आप मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन यूट्यूब, बाकी सब एमबीज मैन केब है, यू नो डिफरेंट कॉकटेल्स इंडिया, डिफरेंट अदर विस्कीपीडिया, कंवर आनंद, ट्रैवलिंग बॉटल, अपने इंडिया में ही इतने सारे विस्की चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। या यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली, यू नाउ दैट यू वॉचिंग माई वीडियो, यू कैन रीच आउट टू मी, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट वे टू रीच आउट टू मी वुड बी माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर आप कमेंट में बोल दो, लेकिन कमेंट में बातें करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप कमेंट तो कीजिए मेरे सब यूट्यूब वीडियोज में, ये विनती है आपसे। इट हेल्प्स मी यू नो इम्प्रूव माई कॉन्टेंट, एंड इट ऑल्सो यू नो गिव्स नोटिफिकेशन टू यूट्यूब कि ये बंदे का वीडियो पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये बंदे का वीडियो प्रमोट करेगा यूट्यूब, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा आपके हेल्प के वजह से। लेकिन आप इंस्टाग्राम में द अननोन यूट्यूबर आईजी, मेरा हैंडल है द अननोन यूट्यूबर आईजी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके साथ गप्पे लग रहा हूँगा ये सब चीज़ में। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, या कोई भी मेरे दूसरे कोई भी टॉपिक, कोई भी हॉबीज है जो आपको, आप भी शेयर करते हो, मेरे को रीच आउट कीजिए, आई एम रेडी टू डिस्कस इन लेंथ विथ यू। सो कास्क फिनिश में ये भी एक विस्की टाइप है। Oh, 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 oh,